हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम ओटिस को छोड़ने जा रहे हैं, अभी ओटिस हमारे साथ नहीं रहेगा। तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट टफ डिसीजन फॉर अस, लेकिन ओटिस को सिर्फ हम लोग 2 दिन के लिए बाहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ प्लेसेस पे विजिट करने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, और ओटिस को हम साथ नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, हर जगह हर प्लेस पे ओटिस को अलाउ नहीं करेगा, हर जगह पेट्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग ओटिस को छोड़ने जा रहे हैं 2 दिनों के लिए। तो ऐसा फर्स्ट टाइम होगा कि हम लोग ओटिस को कहीं शेल्टर में छोड़ेंगे, क्योंकि जो लोग हमारे वीडियोस हमेशा देखते हैं तो उन लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग कभी भी ओटिस को छोड़ते नहीं हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं वो हमारे साथ जाता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, और उससे आपको पता चलेगा कि जब हम बेंगलोर से आए थे यूपी, तब भी हम लेकर आए थे, झारखंड बिहार जहाँ भी हम घूमते हैं ओटिस हमारे साथ जाता है। तो इट विल बी फर्स्ट टाइम ओटिस हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है, तो उसको छोड़ना कुछ दिनों के लिए दूसरों के पास इट विल बी क्वाइट टफ। तो देखते हैं, दिल पे पत्थर रख के हम उसको छोड़ने जा रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं ओटिस को कहाँ छोड़ने के लिए जा रहे हैं और ओटिस का कैसा रिएक्शन होता है हम लोगों से कुछ पल के लिए जब वो दूर होता है तब। ओटिस, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो ओटिस? इसको लग रहा है कि ये घूमने के लिए जा रहा है। सोनू यहाँ पे है, हमारी गाड़ी वहाँ पे है, तो ये सोच रहा है कोई और हमारी गाड़ी को लेके जा रहा है। बिल्कुल गाड़ी को देख के भौंक रहा है। देखिए ओटिसू, गाड़ी कौन ले जा रहा है? देखो हम लोग का गाड़ी। ओटिस, कार कौन लेके जा रहा है? इसको लग रहा है कि हम लोग का कार है, कौन लेके जा रहा है। सब पहचानता है ये, कौन सी मेरी कार है कौन सी नहीं। आ रहा है ओटिस, तुम जाएगा घूमने उसमें। हम लोग का कार कहाँ है ओटिस? कौन ले जा रहा है ओटिस? पहले से कार में बैठ चुका है, खुद से घुस के आ गया। ब्लू नेट क्या बेचारा? ब्लू नेट ये तुमने।
ऑटिस बेचारा। ऑटिस हम लोग अभी ओटिस को यहाँ शेल्टर में छोड़कर जा रहे हैं 2 दिनों के लिए, और 2 दिनों के बाद ओटिस को आकर लेके जाएंगे। अभी 2 दिन के लिए ओटिस वहीं पे रहेगा, फिर मिलते हैं आपके साथ जब हम ओटिस को लेके आते हैं तो देखिए उसका क्या रिएक्शन होगा। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं, तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।